अभिषेक कुमार पर मेहरबान हुई एकता कपूर, बिग बॉस के बाद नागिन 7 में नजर आएंगे अभिषेक। हेलो, आप देख रहे हो फर्स्ट इंडिया, मैं हूं रजनी। अभिषेक कुमार इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और सभी लोग उन्हें हीरो मानकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक कुमार की एंट्री हुई थी, किसी को यकीन नहीं था कि वो इतना आगे जाएंगे, लेकिन अपने बदौलत वो इस मुकाम पर पहुंच गए। अब खबर आ रही है कि बिग बॉस से निकलने के बाद उनके हाथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। जी हाँ, एकता कपूर के शो नागिन 7 में अभिषेक कुमार की एंट्री शायद हो गई है, और जब नागिन 7 आएगा तो अभिषेक कुमार उसमें नाग के रूप में नजर आएंगे। जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि एकता कपूर ने अभिषेक कुमार को अप्रोच किया है नागिन 7 के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक का लुक है वो नागिन 7 के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है, और एकता कपूर ने अभिषेक को पसंद कर लिया है। अब ऐसे में एक सवाल और उठता है कि अगर अभिषेक नाग बनेंगे तो उनकी नागिन का रोल कौन अदा करेगा। पिछले दिनों काफ़ी खबरें आ रही थी कि प्रियंका चहर चौधरी को अप्रोच किया गया है नागिन 7 के लिए, सुम्बुल को किया गया, निमृत को किया गया है, लेकिन उन सभी ने डिनाई कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि अभिषेक कुमार की नागिन ईशा तो नहीं बनने वाली है। जिस तरह से अभिषेक को एकता कपूर ने अप्रोच किया है, तो हो सकता है कि ईशा मालविया के हाथ भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो और एकता कपूर ने उन पर मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें नागिन 7 का ऑफर दिया होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो इस बार नागिन 7 की TRP काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि जिस तरह से घर के अंदर ईशा और अभिषेक के रिश्ते नजर आए थे, ऐसे में एक शो में जब दोनों नजर आएंगे तो ऑडियंस उन्हें देखना जरूर पसंद करेगी, और उस शो का जो TRP लेवल होगा वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि अभिषेक अगर नागिन 7 में नाग बनते हैं तो क्या उनकी नागिन बनेंगी ईशा, और अगर बनेंगी तो किस हद तक आप उन्हें पसंद करेंगे? वेल, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।